हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता। एसएस वर्ड जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिफॉल्ट सेटिंग के बारे में। डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब ये होता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें उसके अंदर, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसके अंदर आउटलाइन सेट होकर आ रही है। जैसे इसकी आउटलाइन दी हुई है 0.5 पॉइंट की, और इसका जो कलर है वो नन है। यहाँ देखिए, कलर इसका नन शो हो रहा है, इसमें कोई भी कलर नहीं है अभी। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कोरल ड्रॉ की। इसी तरह से हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे हमने ये टेक्स्ट टाइप किया, ये देखिए टेक्स्ट में भी हमें जो फिल कलर है वो ब्लैक दिख रहा है और इसकी आउटलाइन नन है। तो ये टेक्स्ट में डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये देखिए कलर इसका ब्लैक और ये आउटलाइन ये नन शो हो रही है। तो आइए जानें कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम कैसे सेट कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए, अभी यहाँ पर ये देखिए एसएस वर्ड जोन सिलेक्ट है। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पेज पर कोई भी चीज़ सिलेक्ट ना हो। तो हम ये पिक टूल लेते हैं और बाहर क्लिक करते हैं। तो हमने ये देख लिया है कि हमारे जो पेज पर जो ऑब्जेक्ट हैं, टेक्स्ट है, ये कोई भी सिलेक्ट नहीं है। फिर आप कलर पैलेट में जाकर जिस भी कलर के लिए आप सेट करना चाहें डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, उस कलर पर आप लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करते हैं, चेंज डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट का डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्टिस्टिक मीडिया, आर्टिस्टिक टेक्स्ट, कॉल आउट, डायमेंशन, ग्राफिक और पैराग्राफ टेक्स्ट। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी जो डिफ़ॉल्ट पर है वो ग्राफिक्स पर सेट है। ग्राफिक्स का मतलब है, जैसे हम कोई रेक्टेंगल या ओवल बनाते हैं, ये ग्राफिक्स में आते हैं। हम चाहते हैं जब भी फिल हो रेड कलर आए। जैसे हम ये कोई रेक्टेंगल बनाएंगे, अभी ये नन कलर आ रहा, और अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम जब भी ये रेक्टेंगल बनाएं या सर्कल बनाएं तो ये जो फिल है वो रेड कलर का आए, तो रेड कलर पर लेफ्ट क्लिक किया और ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। अब ये देखिए ग्राफिक्स पर तो सेट है, अब हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट पर इन तीनों को ऑन कर देते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। तब देखिए आप, ये हमने रेक्टेंगल लिया और यहाँ से हमने इसको बनाया। ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट में सेट हो गया। अब आप जब भी रेक्टेंगल बनाएंगे तो इसके अंदर जो फिल कलर है वो रेड शो होगा। ये देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है फिल कलर रेड शो, और इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक है। अब हम ओवल बनाते हैं, ये देखिए ओवल बनाया, ये भी हमें रेड कलर का ही शो हो रहा है। यहाँ पर इसका जो कलर है वो यहाँ शो हो रहा है रेड कलर का। अब हम टेक्स्ट को देखते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं। ये देखिए टेक्स्ट को टाइप किया तो टेक्स्ट पे भी जो फिल कलर है वो रेड आ रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है रेड कलर, और इसकी जो आउटलाइन है वो नन है क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नन है आउटलाइन। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ग्राफिक्स पर ही ये सेटिंग
साइज है वो भी हमारे हिसाब से छोटा या बड़ा सेट हो जाए। तो उसके लिए आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके जो पेज पर और डेस्कटॉप पर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो। उसके बाद टूल बॉक्स में जाकर टेक्स्ट को क्लिक करना है, फिर यहाँ ऊपर फॉन्ट लिस्ट ओपन करनी है। इसमें आप देख लीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने लिया यहाँ टाइम्स रोमन। जैसे ही टाइम्स रोमन पर क्लिक किया है, ये एक चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट की विंडो ओपन होकर आ गई। अब आप यहाँ देख लीजिए आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट दोनों को ऑन कर दीजिए और ओके कर दीजिए। फिर यहाँ फॉन्ट साइज है, इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आप लेना चाहें, जैसे मैंने लिया 72, इस पर क्लिक करेंगे फिर वही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो आप यहाँ आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। फिर आप यहाँ कोई भी टाइप करेंगे, जैसे कि हमने ये किया है, ये देखिए इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज हो गई है और इसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया है हमारे अकॉर्डिंग। इस तरह से आपने समझा कि जब भी बिना सिलेक्ट की कोई भी सेटिंग, कोई भी कलर फिल करेंगे, कोई भी आउटलाइन सेट करेंगे या टाइप फेस देखेंगे या मेजरमेंट बदलेंगे तो हमारे डिफॉल्ट में सेट हो जाएगा और हर नई चीज के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये सारी चीज सेट हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल मेन्यू में जाकर एग्जिट करने के बाद आप कोरल ड्रॉ को पूरी तरह बंद कर दीजिए। जब ये कोरल ड्रॉ पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो हमने जो डिफॉल्ट सेटिंग सेट की है वो सेव हो जाएगी। और अगर किसी वजह से आप सेव नहीं कर पाते हैं और कोरल ड्रॉ अचानक से बंद हो जाता है तो ये कभी कभी डिफॉल्ट सेटिंग सेव नहीं हो पाती है, तो आप इसका ध्यान रखें। और आपने जाना डिफॉल्ट सेटिंग कैसे होती है, किस प्रकार अपन इसको चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग में कलर किस प्रकार डाल सकते हैं, ये सब आप समझ गए होंगे। तो आप इसका यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।